अमृतसर की देहाती पुलिस नूं एक बजुर्ग किसान ने सवालों के घेरे च लै आंदा है। मामला थाना पीटी सैदा अधीन आउंदे पिंड शन कोली दा है, जिथे एक किसान वालों बैंक चो 4 लाख रुपए कढ़वाए जांदे हन ते जदों उह पैसे लैके घर वापस जा रहा हुंदा है तां उस नाल कुछ लोकां वालों कुटमार करके पैसे खो लए जांदे हन, जिस तों बाद उह पुलिस कोल इस दी शिकायत दर्ज करवाउंदा है। पर 14 दिन बीत जाण दे बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करदी है ते इह बजुर्ग किसान पिंडी सैदा पुलिस दे हाड़े कढ़दा दिखाई दिंदा है। बजुर्ग का आरोप है कि पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय उस नाल टाल मटोल कर रहे हैं। पीड़ित किसान ने पुलिस के उच्च अधिकारियों तो इंसाफ की मांग की है। मसला जी, मैं 12 तरीक नूं गया सा चिगावी बैंक ओरजेंट च, ओरजेंट बैंक च गया सा ते उत्थों मैं आपदे पैसे कढ़ाउणे सी, पैसे अंदर वड़िया पैसे कढ़ाउण ते बाहर एक गेट अगे बूहे सामना खड़ा सी बंदा, वो बंदा मैं सियाने वो बंदा मतलब भी उन्होंने नाल सी। जो मैं 4 लाख रुपया कढ़ा लिया ना बैंक चो उदो बाहर निकलिया, तो बाहर निकलिया तो वह बंदा मोटरसाइकिल चढ़ गया तो मैं साइकिल से, तो उतो काम तो काम भी घंटा मैं बैंक चो जो मैं टुरिया पैसे लैके तो 12 के करीब आ गया वा 12:15 जिते मेरे नाल वाकया होया। तो उत्थे जदों मैं आया तो वह बंदा उदो शामिल नाल सी जिहड़ा मैं बैंक के बूहे अगे वेख्या, तो वह बंदे दे हाथ च एक तां रफल सी एक नाली एक कोल दनाली सी। उन्हां दे नां सी हैगा सी एक दे नां हैगा सी नछत्तर सिंह ते एक दे नां जगतार सिंह। वह दोवें बंदे मैं वेखे उत्ते जदों उह नाल रले होणगे दोवें मोटरसाइकिल ते होणगे अगर पिछे राह चोर ला लिया होवेगा उहने, दूजे 3 बंदे उत्थे पासे ते ही खड्डे जी वह खड्डे वाले पासों निकले ने। उन्हां चों मैं 2 बंदे सियाने ने ते 1 बंदा मेरी सियाण च नहीं आया, मतलब उहने मूँह बदा सी ते मैं उत्थों फिर बदा रौला पाया, पर दुनिया कोई बाहर नहीं सी हैगी किसी ने मैनू नहीं वेख्या, तो मतलब भी मैं रौला बड़ा पाया, मैं लुट्टिया गया मैं मारिया गया ते हाल पारिया कीती, मेरी कमीज भी उन्हें पाड़ दित्ती, एक मेरे को मोबाइल सी मोबाइल भी मेरा तोड़ दिता। तो मैं उठ के ते फिर जो मेरे 4 लाख जी हुई है। किन्ने पैसे लुटे तुहाडे कोल? 4 लाख लुटे। अच्छा जी, फिर ते 4 लाख लुटे ने ते फिर मैं रौला पाया जी मैं 4 लाख रुपया मेरा लुट के लै गए ने। किसी ने मेरी उत्थे लागे कोई बंदा ही नहीं सी हैगा उस टाइम, तो लोग अंदरों अंदरी सी मतलब आपो आप दे भी दोपहर का बिहा सी, तो कोई बंदा नहीं मेरे मत्थे लगा। फिर मैं उठ के तो आपका साइकिल फड़िया तो हौली हौली टुर के मैं लत्त ते भार पाया, जो मेरी लत्त भार नहीं सहिंदी माड़ा जिहा मैं टुरिया टुर के फिर मैं किला कु बार टुर के गया। फिर मैं हाँ मना तू दबा दब तत्ते का चढ़ साइकिल ते, फिर मैं जी सीधा थाने गया ते थाने जाके SHO नूं आख्या भी आह मेरे नाल वाकया हो गया है, तो जाके उत्थे रिपोर्ट लिखाउण लगा और मेरी हालत गंभीर बड़ी हो गई सी जो मैं लिखाउण लगा कि मेरा ब्लड भी इन्ना प्रेशर वध गया कि मैनू उन्हां टीके टूके भी लवाए फिर सद के पुलिस वालिआं ते मतलब मेरी देखभाल की, मतलब भी उत्थे मैनू गोलियां गालियां खवाईआं, फिर मैनू कोई माड़ी जी सुरत आई ते टीका लवाया ते फिर मैं आपदी सुरत च मतलब फिर आण के ते फिर मैं उन्हां नूं कहा चाहुंदे आ कि उन्हां बंदिआं दे मैं नां दित्ते सी सारिआं दे, तो इन्हें SHO ने कोई उदन की कोई साड़ी नहीं मतलब भी इन्हें इन्हों नहीं इन्हें आख्या कि मैं सदके इन्होंने मूँह रूबरी करावा कि बापू जी तो पैसे तुम क्यों खोए ने कि कमली खोए ने, ना मैं उन्होंने कुछ लेना सी ना कुछ उन्होंने मेरा लैन देन है। SHO आता कि जो तू जे थोड़ा परचा कट्टांगा तो मंत्री की फरमायश पाओ तो फिर थोड़ा मसला हल होगा, तो असी तो यह मंग करते सर भी साढ़ा ये किसी तरीके मसला साढ़ा हल होना चाहिए। बाद मैं दरखास्त दी जी SSP दे जाके पेश होया, SSP दे जाके पेश हो के तो मैं उत्थे दरखास्त दी, उन्हें DT साहब टारी नूं लिखी भेजी तो उन्हें मैनूं रसीद दी नाल, वो अजे डिप्टी टारी दे भी आई है तो अजे मेरे ख्याल च आई कि नहीं आई उधरों मैनूं अजे कोई पता सुर नहीं लगा। यहाँ प्रशासन तो मंग करने कि जो साढ़ा ये इन्हों दोषियों का मतलब भी जो कोई मसला हल करके साढ़े पैसे वापस करवाण जिमें भी होन, असी गरीब आदमी हाँ सारे असी इस गल से मारे जावे हिसाब न थोड़े थोड़े करके भाजी, कोई मैं दुध बेचता हाँ कोई मैं आपकी कणक के पैसे से तो सारे मतलब लुट्टा गया
ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਖੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸੱਚੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸ਼ਨ ਕੁਹਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਗਾਵਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਤੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੜਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆ, 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 1 ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਸਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ 14 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ।